हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस हब में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम केशव है। आज मैं अपने वीडियो में आपके लिए क्वांट का पहला क्यूज लेके आया हूँ। अब मैं डेली आपके लिए एक रीजनिंग और क्वांट दोनों के लिए क्यूज लेके आऊँगा। आज मेरा पहला क्यूज है मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड है, जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक और SBI PO और SBI क्लर्क, ये चारों एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आते हैं। ओके, तो 2 से 3 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिक्सचर एलिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो दोस्तों आपको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, उनसे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ वेसल हैज 30 लीटर ऑफ वाइन एंड 10 लीटर ऑफ वाटर मिक्सचर। 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वन मोर टाइम। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन इज लेफ्ट एंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन। दोस्तों, आप सॉल्यूशन देखने से पहले एक काम कीजिएगा कि खुद से पहले ट्राई कर लीजिए। ओके, अब 30 to 45 सेकेंड्स आप पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अगर आपका सॉल्यूशन सही आ रहा है तो अच्छी बात है, आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और अगर मेथड भी चेक कीजिएगा, मेथड कैसा है। ठीक है, मेथड अगर डिफर किया आपको, जो मेथड पसंद है, अपना मेथड पसंद है तो सही बात है। अगर मेरा मेथड पसंद आया तो उसको फॉलो कीजिएगा। ओके, और जिनसे नहीं बना वो इसको देखे, सॉल्यूशन को देखे, और बहुत ही आपको समझ में आएगा कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है कि 30 लीटर है वाइन और 10 लीटर है वाटर। अब इसमें से 4 लीटर मिक्स, तो रेशियो हमारा है 3:1 का। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग को, तो यहाँ पे 30 और 10 लिख दे रहा हूँ। ओके, अब इसमें से 4 लीटर ऑफ मिक्सचर जो है निकाला जा रहा है, तो कितना वाइन निकलेगा। ओके, तो वाइन निकालने के लिए हम लोग को 3 upon ratio 3 + 1 = 4. ओके, तो हमारा 3 लीटर जो है वाइन निकलेगा। ओके, और 1 लीटर जो है वाटर निकलेगा। तो इसमें से -3 सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो दिस विल बी बिकम 27 एंड दिस फ्रॉम हेयर सब्सट्रैक्ट 1, सो आवर इट विल बी 9. ओके, अब इसमें से बोल रहा है 4 लीटर ऑफ वाटर जो है क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ओके, तो 4 लीटर इसमें ऐड कीजिए सबसे पहले। ओके, तो इट विल बिकम 13. अब देख रहे हैं कि हमारा रेशियो जो है वो चेंज हो गया। ओके, तो अब हमारा रेशियो कितना हो गया, 27:13 का। तो अब इसमें से क्या बोल रहा है कि ये प्रोसेस एक बार और रिपीट कर रहा है, वन मोर टाइम। ओके, तो वन मोर टाइम कर रहा है। तो अब 4 लीटर मिक्सचर जब निकाल रहे हैं तो कितना हमारा वाटर निकल रहा है, कितना वाइन निकल रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 27 upon 14 अगेन द सेम, अगेन वी विल डू लाइक दिस सेम अगेन एंड इट विल बी 4 लीटर निकाल रहे हैं। ओके, तो 4 upon 4 into 10 = 40, सो इट विल बी 2.7, मतलब 2.7 जो है हमारा क्या निकल रहा है, वाई निकल रहा है। तो इसमें से 2.7 सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बिकम 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2. ओके, 24.3 जो अब हमारा क्या बचा, 24.3 जो है वाइन बचा है। ओके, तो हमारा क्या कर रहा है, रेशियो निकालना है क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट। ओके, तो हमारा वाइन कितना बचा है, 24.3, और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाइन कितना था हमारा, इनिशियल क्वांटिटी था हमारा 30 लीटर। ओके, तो देखिए, तो 24.3, ओके, और इनिशियल क्वांटिटी कितना था, 30 लीटर। ओके, तो अब इसको डेसिमल यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। ओके, 381 and 300. ओके, तो हमारा कितना आ गया, 81:100. ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ओके, अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दे आर 2 वेसल, ओके, ए एंड बी, मतलब अलग अलग वेसल्स है ए और बी। ओके, तो वेसल ए इज कंटेनिंग 40 लीटर ऑफ प्योर मिल्क एंड वेसल बी इज कंटेनिंग 22 लीटर ऑफ प्योर वाटर। फ्रॉम वेसल ए 8 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड पोर्ड इन टू अ वेसल बी। 6 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर, ओके, इज टेकन आउट फ्रॉम द वेसल बी एंड पोर्ड इन टू अ वेसल ए। वाट इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द वेसल ए टू द क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर इन द वेसल बी। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप 32-45 सेकेंड्स में आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, 1 मिनट अगर लगता है, 1 मिनट में अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ओके, सबसे पहले आप ये कीजिए कि कम से कम खुद अटेम्प्ट लीजिए ओके क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। ओके, तो हमारा वेसल ए है तो जो कि 40 लीटर का, ओके, वेसल ए 40 लीटर का, वेसल बी है 22 लीटर का, तो इसमें से कितना, 8 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क है, ये मिल्क का है ओके, और ये हमारा वाटर का है, तो इसमें से 8 लीटर ऑफ मिल्क जो है हम लोग निकाल रहे हैं, तो कितना बचेगा, 32 लीटर, और कहाँ डाल रहे हैं, तो इसमें डाल रहे हैं ओके, प्लस 8, तो ये हमारा आ जाएगा 22 लीटर ऑफ वाटर एंड प्लस 8 लीटर ऑफ मिल्क। ओके, तो अगर वाटर और मिल्क का रेशियो देखेंगे, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4:11 का हो जाएगा, ये हमारा मिल्क हो गया, ये हमारा वाटर हो गया,
तो अब मिक्सचर से क्या बोल रहा है कि 6 लीटर ऑफ मिक्सचर हम लोग निकाल रहे हैं. ओके, तो 6 लीटर ऑफ मिक्सचर अगर हम निकालेंगे तो कितना हमारा वाइन बचेगा, कितना हमारा सॉरी कितना हमारा वाटर बचेगा, कितना हमारा मिल्क बचेगा. तो हमारा मिल्क कितना बचे निकलेगा, तो 4/15. ओके, 4/15, 4+11, 15 6. ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 3/2, 3/5. ओके, तो हमारा 8/5 जो है क्या निकल रहा है, 8/5 6, मतलब 6 लीटर में से, 6 लीटर में से हमारा 8/5 जो है, 8/5 या 8/5 जो है हमारा क्या है, वाटर है और मिल्क, सॉरी मिल्क है और हमारा वाटर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा देखिए 4/22, 11/15 6. ओके, तो ये हो जाएगा 3/2, 3/5. ओके, तो हमारा 22/5 जो होगा वो कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा. ये हमारा वाटर, ये हमारा मिल्क. ओके, अब ये जो मिल्क है, प्योर मिल्क है, ये हम कहाँ डाल रहे हैं, वेसल्स ए में डाल रहे हैं. तो वेसल्स ए में पहले से 32 लीटर ऑफ मिल्क है, तो इसमें प्लस 8/5 करना पड़ेगा क्योंकि हम डाल रहे हैं. तो कितना हो जाएगा, 5 5 टू 10 10 प्लस 3 15 16 प्लस 8. ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 168/5. ओके, ये हमारा प्योर मिल्क हो गया. अब प्योर वाटर कितना हो गया. ओके, तो वाटर हमारा था 22 लीटर, वैसे बी में वाटर है. ओके, तो 22 लीटर वाटर है, इसमें से हम लोग कितना वाटर निकाल रहे हैं, 22/5 निकाल रहे हैं. तो कितना बचेगा, तो 22 माइनस 22/5. ओके, तो कितना हो जाएगा, 5 टू 11 110 110 110 माइनस 22/5. तो ये हो जाएगा हमारा 88/5. तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेटमेंट है हमारा, रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, प्योर मिल्क इन वेसल ए. प्योर मिल्क हमारा कितना है, 168/5, तो 168 ओके अपॉन 5 इज टू क्वांटिटी ऑफ प्योर वाटर इन द वेसल बी. प्योर वाटर कितना है, 88/5. ओके, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा और 68 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 × 2 एंड 4 कितना, 4 × 22. अब ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 21 और 2 × 11. ओके, तो हाँ रेशियो कितना आ गया, हमारा रेशियो आ गया 21 21 इज टू 11. ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. ओके, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा हो भाई, आप लोग समझ में आ रहा होगा. ओके दोस्तों, तो देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इन अ वेसल ऑफ ए एंड बी देयर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल इज 5:2 एंड 8:5 respectively. In what ratio these mixtures should be mixed together so that the ratio of milk and water in the new mixture become 9:4. okay, तो हमारा दो वेसल है ए और बी, दोनों वेसल्स में मिक्सचर है मिल्क और वाटर का. तो पहले वेसल्स ए में मिक्सचर है 5:2 का और दूसरे वेसल्स बी में मिक्सचर है 8:5 का. ठीक है, अब तो एक थर्ड वेसल लेना है. ठीक है, थर्ड वेसल लेना है सी. ओके, थर्ड वेसल सी लेना है, उसमें दोनों में से कुछ कुछ मिक्सचर्स निकाल के कितना मिक्सचर का, कितना मिक्सचर बनाना है, 9:4 का मिक्सचर बनाना है. तो किस रेशियो में हम लोग निकालेंगे, मतलब वेसल्स ए से कितना मिक्सचर निकालेंगे, वेसल्स बी से कितना मिक्सचर निकालेंगे, ये पूछ रहा है. ओके, तो सबसे पहले तो आपको इसका ट्रिक्स बताता हूँ मैं, एलिगेशन का है. ओके, तो 5, तो हमारा सबसे पहले मिल्क कितना है वेसल्स में, 5/7 जो है हमारा क्या है, मिल्क है और 8/13 जो है हमारा क्या है, वाटर है. वेसल्स बी में हमारा मिल्क है. ओके, अब हमको कितना, मतलब वेसल्स सी में हमको कितना मिल्क चाहिए, तो 9/13 का क्या चाहिए, मिल्क चाहिए. ओके, तो ये दोनों का रेशियो निकालिएगा आप, मतलब इसको ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए. ओके, और फिर ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए. ओके, तो हमारा अगर ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 9/13 - 8/13 इट विल बिकम 1/13. ओके, अब ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो हमारा एलसीएम लेना पड़ेगा 91. ओके, तो ये हो जाएगा 13 5 65. ओके, माइनस 9 13 7 9 7 63. ओके, तो ये हमारा कितना हो गया, 2/91. ओके दोस्तों, इसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि 5/7 जो है 9/13 से 11 है और 8/13 जो है 9/13 से स्मॉलर है. ओके, तो इन दोनों में से कोई एक होगा जो ये मिडिल वाले से बड़ा होगा और एक जो होगा मिडिल वाले से छोटा होगा. ओके, तो अब रेशियो कितना हो जाएगा, 1/13 1/13 = 2/91. ओके, तो रेशियो लीजिएगा तो 7:2 का रेशियो आ जाएगा. ओके, 7:2 का रेशियो आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा. ओके, तो हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा,
अ वेसल ए एंड बी आर टू एलॉयज, ओके टू एलॉयज है ओके, ऑफ गोल्ड एंड कॉपर prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of the alloys are melted to form a third alloy C, okay, the ratio of gold and copper in C, okay. तो सिमिलरली पिछले टाइप्स का ही क्वेश्चन है ओके, लेकिन यहाँ पे एक और मैं बेसिक शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ कि आपको मतलब उतना भी ये स्टेप्स आपको जिसे आपने लास्ट क्वेश्चन पे ये किया था आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है ओके. तो मैं बताता हूँ कैसे इसको करना है. तो इसको करने के लिए देखिए आप सबसे पहले तो पूछ रहा है कि 7:2 का एलॉयज है ए में ओके, और 7:11 का है ओके. तो आपको एक सी का सी बनाना है ठीक है. तो उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा ओके. तो अगर हम लोग देखें कि 7:2 है तो अगर हम मान और 7:11 है ओके, तो इसका दोनों का सम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा और 7+2 क्या हो जाएगा 9 तो ठीक है. तो अब हम मान लेते हैं If equal quantities, मतलब बोल रहा है कि equal quantities of alloys are melted, okay? दोनों में से equal quantities ले रहे हैं okay? तो equal quantities अगर लेंगे तो अगर मान लेते हैं वेसल सी में 18 मान लेते हैं ग्राम है okay? 18 ग्राम का बना रहे हैं हम लोग मिक्सचर okay? तो अगर 18 ग्राम का मिक्सचर बना रहे हैं तो ए में जो है गोल्ड कितना होगा, ए में जो गोल्ड, ए से हम जो गोल्ड लेंगे मतलब मान लेते हैं 18 दोनों में से 18 लेते हैं, इसमें से भी 18 ग्राम का लेते हैं ओके. मतलब बोल रहा है ना इक्वल क्वांटिटीज का एलॉयज ले रहे हैं दोनों में से इक्वल क्वांटिटीज. तो यहाँ से हम 18 ग्राम का लेते हैं, यहाँ से 18 ग्राम का लेते हैं ओके. तो इसमें से हम जो है मतलब ये जो गोल्ड होगा वो हमारा कितना गोल्ड आएगा, तो हमारा गोल्ड आएगा 7:2 क्योंकि ये दोनों का सम 9 है तो 7:18 करना है तो 7:2 करना पड़ेगा. तो यहाँ से हमारा 14 आ जाएगा ओके. और यहाँ से गोल्ड कितना आ जाएगा, यहाँ से गोल्ड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों का सम है तो यहाँ से गोल्ड हो जाएगा 7 ओके. अब जो है इसमें से हमारा कॉपर कितना आ जाएगा, कॉपर हमारा आ जाएगा 4 ओके. सिमिलरली क्योंकि 2:2 करना पड़ेगा 4, और इसमें से कॉपर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा. तो दोनों का कितना हो गया 14+7 21 और 11+4 15 ओके. तो हमारा ये रेशियो हो गया ओके. तो रेशियो हो गया तो हमको इसमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो 3 से काटिए 3 × 7 7 3 = 21 और 3 × 5 = 15 7 = 5. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ओके. तो आप समझ रहे हैं. अगर कोई प्रॉब्लम होगा दोस्तों तो कमेंट में जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको क्लियर करूंगा ओके, और क्लियर कर दूंगा अगर. तो हम लोग देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन ओके. तो हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, व्हेन 1 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द टू अ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, एसिड एंड वाटर का कोई मिक्सचर ओके, उसमें 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं. अ न्यू मिक्सचर कंटेन 20% ऑफ, उसमें कितना एसिड होगा, 20% एसिड है ओके. व्हेन 1 लीटर ऑफ लीटर एसिड इज एडेड, जब अब अगर हम उसी मिक्सचर में 1 लीटर एसिड डालते हैं, अ न्यू मिक्सचर में टू द न्यू मिक्सचर, सॉरी इन द न्यू मिक्सचर ओके, द न्यू मिक्सचर आफ्टर फॉर्म्ड आफ्टर एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर ओके, देन द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन 10/3% एसिड ओके. द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल मिक्सचर कितना होगा, ये पूछ रहा है हमसे. तो देखिए इसको कैसे बनाना है. तो अगर हम मान लेते हैं कि x लीटर का मिक्सचर है ओके, x लीटर का हम लोग मान लिया कि मिक्सचर है, उसमें हम लोग कितना वाटर डाल रहे हैं, x+1 ओके, न्यू मिक्सचर हो जाएगा क्योंकि 1 लीटर जो है हम लोग वाटर डाल रहे हैं. तो हमारा क्या कह रहा है, 20% जो है उसमें एसिड है ओके. तो हमारा एसिड कितना हो जाएगा, 20% ऑफ दिस, 20% ऑफ x+1 ओके. तो ये हो जाएगा 5 ओके. तो हमारा x+1/5 जो है वो क्या हो गया, हमारा ये एसिड हो गया ओके. ये हमारा क्या है, एसिड है. अब पूछ रहा है कि न्यू, ये जो न्यू मिक्सचर बना है ठीक है, x+1 जो हमारा न्यू मिक्सचर बना है उसमें अगर 1 लीटर हम एसिड डाल रहे हैं तो हमारा एसिड का जो क्वांटिटी है वो कितना हो जा रहा है, 10/100/3% हो रहा है ओके. तो अब इसमें डालिए तो x+1 हमारा ये एसिड का क्वांटिटी x+1+5/1/ ये टोटल मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा क्योंकि x+1+1 x+2 हो जाएगा, × 100% ओके. तो ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये 100/3 दिया हुआ है ओके. तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, x+6 × 5 × x+2 = 100/3.
इसको जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, स्ट्रेस खुद से कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों, ओके। तो इसको आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको एक्स का वैल्यू आएगा 4 लीटर, ओके। तो हमारा एक्स का क्या हो गया, मतलब वैल्यू, मतलब ओरिजिनल, कितना ओरिजिनल मिक्सचर क्या था हमारा, 4 लीटर का मिक्सचर था, ठीक है। अब हमारा पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ एसिड इन द ओरिजिनल मिक्सचर, ओके। तो यहाँ से एसिड का जो क्वांटिटी है यहाँ से पता चल जाएगा हमको, मतलब एक्स प्लस वन अपॉन फाइव, क्योंकि ये जो मिक्सचर जब बना था एक्स प्लस वन वाटर डालने पे, तो एसिड का जो क्वांटिटी था बदला नहीं था, ओके, सेम था क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्स का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा एसिड का क्वांटिटी पता चल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे 4 + 1/5, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो एसिड हमारा 1 लीटर था, ओके, एसिड हमारा 1 लीटर था और मिक्सचर हमारा कितना लीटर का था, 4 लीटर का था, ओके। तो परसेंटेज ऑफ एसिड कितना होगा, 1/4 × 100, तो ये कितना हो जाएगा 25%, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ये, ओके। 6 कह रहा है, टू बैरल्स कंटेन अ मिक्सचर इथेनॉल एंड गैसोलीन। द कंटेन, मतलब दो बैरल है जिसमें, दो बैरल्स मिक्सचर का है, ओके, जिसमें इथेनॉल एंड गैसोलीन का मिक्सचर है, ठीक है। द कंटेंट ऑफ द इथेनॉल इन 60% इन द फर्स्ट बैरल, पहले बैरल में 60% जो इथेनॉल है और 14% क्या है गैसोलीन है, एंड 30% जो है इन द सेकेंड बैरल में, 30% इथेनॉल जो है सेकेंड बैरल में, 30% इथेनॉल है और 70% जो है गैसोलीन है। इन वाट रेशियो मस्ट बी द मिक्सचर फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकेंड बैरल इज बी टेकन टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ 50%, ओके। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ओके, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक पहले ही बता चुका हूँ, देखते हैं कैसे, फिर से मैं बताता हूँ, ओके। ये 60 लीटर जो है हम लोग क्या है, इथेनॉल है, 30 लीटर जो है हमारा, मान लेते हैं परसेंटेज में दिया हुआ, अगर 100 लीटर का बैरल हो गया तो 60 लीटर जो है हमारा इथेनॉल है, 30 लीटर जो है हमारा बैरल बी में, सेकेंड बैरल में 30 लीटर ऑफ इथेनॉल है, और हमको बनाना कितना का है मिक्सचर, 50 लीटर का बनाना है, ओके। तो कितना रेशियो में मिक्सचर हम लोग दोनों बैरल से निकालेंगे, ओके। तो ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा 50 - 30, इट विल बी 50 - 30, इट विल बी 20। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:1 का, ओके, मतलब 2:1 का रेशियो आ जाएगा, मतलब अगर 300 लीटर का हम बना रहे हैं तो 200 लीटर जो है बैरल वन से आएगा, 200 लीटर का मिक्सचर हम लोग बैरल वन से लेंगे और 100 लीटर जो है हम बैरल टू से लेंगे, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, ओके। तो होप आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इज बाय वेट इज 75%। इफ इन, मतलब कोई मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, उसमें वाटर का वेट कितना है, 75% है, मतलब 25% क्या होगा, मिल्क होगा, वाटर जो है 75% है। इफ इन द 60 ग्राम ऑफ मिक्सचर, मतलब 60 ग्राम का अगर मिक्सचर लेते हैं तो 15 ग्राम जो है वाटर उसमें ऐड कर रहे हैं, ओके। तो व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ वाट इन द न्यू मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ, सॉरी, यहाँ पे वाटर इन द न्यू मिक्सचर, ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ओके। तो हम लोग देखते हैं, तो पहले तो सबसे पहले 75% 60 ग्राम है, ओके, 60 ग्राम में तो 75% मतलब अगर हम निकालते हैं तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये हो जाएगा 3/4, ओके, ये 15 × 4 = 60, यानी 15 × 3 = 45, ओके, यानी 45 ग्राम जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा पहले, मतलब अगर 75% है, ओके। अब क्या बोल रहा है कि 15 ग्राम हम लोग वाटर उसमें डाल रहे हैं, ओके, तो 15 ग्राम अगर हम डाल रहे हैं तो मेरा अब वाटर कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा, ओके। तो अगर वाटर हो गया हमारा 16 ग्राम और मिक्सचर भी हमारा कितना हो गया 60, तो मिक्सचर देखिए, तो हम लोग को वाटर का पूछा, वाटर अब कितने परसेंटेज हो गया, ओके, तो 60 ग्राम हम लोग का प्योर वाटर है और मिक्सचर हमारा कितना हो जाएगा 16 + 50, क्योंकि 60 ग्राम तो पहले से लिया है, उसमें 15 ग्राम वाटर ऐड कर रहे हैं, तो टोटल इंटू 100, ओके। तो 60/ कितना हो जाएगा, 75 × 100, ये 25 × 4 = 25 × 3 = 20, ओके, तो ये हमारा आ जाएगा 80%, ओके। तो 80% अगर देखें तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ओके। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सब दोस्तों, ओके। तो आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, सबसे पहले तो खुद से अटेम्प्ट कीजिए, मतलब आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग से बन जाए, ओके, अगर नहीं बनेगा तब आप लोग सॉल्यूशन देखें। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द व्हीट सोल्ड बाय ग्रॉसर कंटेंट 10% लो क्वालिटी ऑफ व्हीट, ओके, मतलब 90 क्वालिटी जो है, मतलब दो क्वालिटी का, एक हाई क्वालिटी का एक लो क्वालिटी का व्हीट है, वेट है, मतलब गेहूं है, ओके, तो 10% जो है लो क्वालिटी का गेहूं है और 90% जो है अच्छे क्वालिटी का गेहूं है, ओके।
व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी व्हीट शुड बी एडेड टू 150 केजी ऑफ व्हीट, मतलब व्हेन सो दैट द परसेंटेज ऑफ लो क्वालिटी ऑफ व्हीट बिकम्स 5%. पहले कितना था, 10% था, तो उसको उसमें आप कितने अच्छे क्वालिटी का व्हीट डालेंगे तो लो क्वालिटी का व्हीट मतलब गेहूं जो है वो कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा. ओके तो पहले तो सबसे पहले देखिए 150 केजी का मिक्सचर है हम लोग का, उसमें से लो क्वालिटी व्हीट कितना होगा हमारा, लो क्वालिटी हम लोग निकालेंगे तो 10% निकालना पड़ेगा उसमें से, तो 0 to 0 गेट कैंसिल हो गया, तो हमारा 15 केजी जो है वो हमारा लो क्वालिटी है. ओके और 135 केजी जो है वो हमारा हाई गुड क्वालिटी के का है. अब इसमें बोल रहा है कि गुड क्वालिटी हम लोग व्हीट कितना डालेंगे. ओके तो गुड क्वालिटी व्हीट हम लोग कितना डालें कि हमारा जो लो क्वालिटी का गेहूं जो है वो 5% हो जाए. ओके तो हमारा लो क्वालिटी का व्हीट मतलब जो गेहूं होगा उसका क्वांटिटी तो हम लोग का चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम लोग 15% ले लेते हैं. और हम लोग मान लेते हैं कि 150 केजी का मिक्सचर है उसमें मान लेते हैं एक्स केजी हम डाल रहे हैं. ओके मतलब एक्स केजी का हम डाल रहे हैं. अब इसका हम परसेंटेज अगर निकाले तो हमको कितना चाहिए, ये 5% चाहिए. ओके तो ये अगर 100 आप इधर लेके आइएगा 100, ओके ये हम इधर लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 20. ओके अब ये 20 आप इधर से लेके आइए, 20 × 15 कीजिए. ओके और ये हो जाएगा 150 प्लस एक्स. ओके 20 × 15 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा. 300 अब फिर 300 इज़ इक्वल्स टू 150 माइनस प्लस एक्स. अब 150 इधर लेके जाइएगा तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 केजी आ जाएगा. ओके तो मतलब आपको गुड क्वालिटी का व्हीट कितना गेहूं डालना पड़ेगा, एक मतलब 150 केजी डालिएगा तब आपका जो होगा ये जो हाफ होगा. ओके अब ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि इसको कितना करना है, हाफ केजी का, इसको 10% को कितना करना है, हाफ करना है, तो मतलब इसको डबल करना पड़ेगा, मतलब जो भी होगा उसको डबल करना पड़ेगा. ओके अब चल देखते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे. तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 1 kg मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयरन. ओके सैंड एंड आयरन का कोई मिक्सचर है उसमें 1 kg का मिक्सचर है, ठीक है, 20% जो है आयरन है, 80% जो है सैंड है. ओके हाउ मच सैंड शुड बी एडेड सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ आयरन बिकम्स 5%. लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, सो होप आप लोग को लास्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड समझ गए होंगे. तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही ईजी मतलब खुद से ही सॉल्व कर पाइएगा, अगर नहीं हो पा रहा तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता देता हूँ, खुद से अटेम्प्ट लेने के बाद सॉल्यूशन को देखिएगा दोस्तों. तो हमारा क्या कह रहा है, 1 kg का जिसमें 20% तो हमारा कितना आयरन है, 20% इंटू 1 तो हमारा 1/5 जो है हमारा क्या है, 1/5 kg यानी 0.2 kg क्या है हमारा आयरन है, ठीक है, और 0.8 kg क्या है हमारा सैंड है. ओके तो हमको सैंड मतलब 0.8 kg. ओके तो अब पूछ रहा है कि क्या डालना है, इसमें सैंड डालना है. ओके सैंड डालना है तो हमको कितना आयरन का क्या हो जाएगा, 5%, पहले 20% था तो 5% इसको रिड्यूस करना है. ओके तो अगर देखिए यहाँ पे आयरन का जो होगा क्वांटिटी ये जो होगा वो चेंज नहीं होगा. ओके इसीलिए हम लोग यही लेंगे. ओके क्योंकि हम लोग को एक ही जगह एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा. ओके तो हम लोग ये लेंगे 0.2. ओके 0.2 अपॉन 1 + x क्योंकि हम लोग को मिक्सचर ऐड करना है, एक्स मतलब एक्स मान लेते हैं हम लोग को सैंड कितना, एक्स केजी सैंड ऐड करना. ओके मतलब एक्स ग्राम सैंड करना इनटू 100. ओके तो ये कितना हमको करना है, 5% करना. ओके ये कट जाएगा 20. ओके और ये हो जाएगा 1. ओके तो 1 + x कितना हो जाएगा, 20 × 0.2 इट विल बिकम 4. ओके इट विल बिकम 4 नाम. ओके तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू 3. तो मतलब 3 kg का सैंड जो है हम लोग ऐड करेंगे कितना में, 1 kg मिक्सचर में, तब जाके हमारा आयरन का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 5%. अब हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि ये क्यों लेंगे. ओके ये क्यों नहीं लेंगे. ओके अगर आप यहाँ पे 0.8 लीजिएगा तो सैंड का क्वांटिटी जो हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है, तो आपको 0.8 प्लस एक्स लिखना है, तो आपको न्यूमिनेटर में भी एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी एक्स हो जाएगा, ठीक है. तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम ले लेगा. ओके और अगर यहाँ पे आपसे फिक्स्ड यहाँ पे इसका क्वांटिटी यहाँ पर फिक्स्ड क्वांटिटी अगर लीजिएगा तो आपको सॉल्यूशन मतलब टाइम ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं लगेगा. ओके अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा 10th लास्ट क्वेश्चन है. ओके तो अ कंटेनर हैज़ 30 लीटर ऑफ वाटर एंड 3 लीटर ऑफ वाटर इज मतलब एक कंटेनर है जिसमें 30 लीटर है, 3 लीटर ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय 3 लीटर ऑफ स्पिरिट एंड दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड ट्वाइस, व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर. ओके
तो हमारा क्या कह रहा है 30 लीटर है, तो कैसे बनाते हैं इसको देखें। तो इसको पहले तो एक फार्मूला है, ओके फार्मूला पे अगर आप डायरेक्ट जाइएगा तो वो भी इजी लगेगा, लेकिन आपको सबसे पहले बेसिक तरीके से मैं बताता हूँ। तो सबसे 30 लीटर क्या है, वाटर है कंटेनर में, कोई कंटेनर है ओके, तो इसमें पहले सबसे पहले वाटर है, कोई भी स्पिरिट नहीं है, इसमें से 3 लीटर वाटर निकाल रहे हैं फिर 3 लीटर स्पिरिट डाल रहे हैं ओके। तो स्पिरिट मान लेते हैं 0, तो इसमें से 3 लीटर वाटर निकाल दिया तो बचा 27, और इसमें से वाटर स्पिरिट 3 लीटर ऐड कर रहे हैं ओके। तो अब टोटल जो हो गया 3 लीटर हो गया, तो हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा हमारा 9:1 का रेशियो हो गया वाटर और स्पिरिट के बीच में, मतलब अगर 10 लीटर का मिक्सचर हो गया तो 9 लीटर क्या है हमारा वाटर है और 1 लीटर क्या है स्पिरिट है ओके। अब क्या आपको बोल रहा है कि एक बार और इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, मतलब 3 लीटर इस मिक्सचर, अब 3 लीटर मिक्सचर में से कितना लीटर वाटर निकलेगा और कितना लीटर स्पिरिट निकलेगा वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले स्पिरिट का देखते हैं ओके, तो 1/9+1 10 ओके, 9+1 × 3 3 लीटर मिक्सचर निकाल रहे ओके, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 ओके। तो मतलब 0.3 स्प्रिट निकलेगा और वाटर कितना निकलेगा, तो 9/10 × 3 ओके, तो ये हो जाएगा 2.7 ओके। तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 3 आ रहा है, तो इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 3 लीटर हम लोग मिक्सचर निकाल रहे हैं जिसमें से 0.3 जो है स्प्रिट निकल रहा है और 2.7 जो वाटर निकल रहा है, तो इसमें से अगेन 2.7 हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 0.3 24.3 ओके। 24.3 जो है हम लोग का क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, मतलब वाटर बच रहा है लास्ट में ओके, बीकर में जो कंटेनर है इसमें से वाटर कितना बच रहा है 24.3। हम लोग से यही पूछा था व्हाट इज द मतलब क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर लेफ्ट होगा ओके, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा आंसर हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा सी ओके। इसका एक फॉर्मूला होता है ओके, डायरेक्ट y (1 − x/y) × 100 × 10^n ओके। तो y जो है हमारा मिक्सचर है, x जो है हम लोग कितना निकाल रहे हैं ओके, और n जो है नंबर ऑफ टाइम्स तो प्रोसेस रिपीटेड ओके। तो y कितना है हमारा, y है हमारा 30 ओके, और 1 − x कितना है, x जो है हम लोग मिक्स कितना निकाल रहे हैं ओके, 30 लीटर 3 लीटर निकाल रहे हैं ओके, तो हम लोग का x का वैल्यू हो जाएगा 3 ओके, और y कितना है हमारा 30 ओके, और कितना नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड ये हमारा 2 हो जाएगा ओके। तो इसको आप जब कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 ये हो जाएगा 9, तो 9 × 30 × 9/10 × 9/10 ओके, तो ये और ये कट गया ओके, तो 9 × 9 = 81, 81 × 3 = 24, 243 डिवाइडेड बाय 10 24.3 ओके। तो ये आप पहले तो आप लोग बेसिक तरीके से सॉल्व कीजिए ओके, क्योंकि आपको बेसिक्स आपको पहले स्ट्रांग करना है, उसके बाद आप लोग शॉर्ट ट्रिक्स पे जाइए ओके, तो तब आपको शॉर्ट ट्रिक्स समझ में भी आएगा ओके। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करें, मैं आपका सॉल्यूशन मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा ओके। दोस्तों बाय, हैव अ नाइस डे।